तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप मोबाइल में, जिसमें आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप अपने जावा के कोडिंग को, जावा प्रोग्रामिंग को आप कैसे आप रन करा सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो, कंपाइल करा सकते हो। आइए देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है जावा NIDE। तो आपको सिंपली जाना है आपके अपने प्ले स्टोर में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है क्या, जावा आईडी आप सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा बहुत सारा एप्लीकेशंस, इसमें से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए, मैंने इंस्टॉल किया हुआ ये वाला, आप देख सकते हो जावा NIDE एंड्रॉयड बिल्डर, तो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आइए एक प्रोग्राम करके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं अपना जावा NIDE और यहाँ पर कहाँ जाते हैं, ये सब कुछ मेरा डायरेक्ट इंटरफेस खुल रहा है। आपको जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करोगे इंस्टॉल तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपको फिल करके आगे बढ़ जाना है, फॉरवर्ड हो जाना है, ताकि आपको एक सारी चीज़ें मिल जाएं। क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आज के समय में काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम है। नेक्स्ट 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 फिनिश, कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर पाते हो। आइए, तो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जाना है फाइल के पास। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, फाइल के पास, देन हम चलिए फाइल पे हम क्लिक कर लेते हैं। देन हम जाते हैं यहाँ पे न्यू के पास। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलता है, न्यू जावा कंसोल, कंसोल प्रोजेक्ट, देन न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू क्लास, क्रिएट न्यू फाइल। तो यहाँ पे हम जाते हैं न्यू जावा कंसोल पे, आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू जावा कंसोल पे हम क्लिक करते हैं। आपको जैसा प्रोग्राम करना है उसके हिसाब से आप उसको क्लिक करना है, चूज़ कर लेना है। चलिए यहाँ पे दे प्रोजेक्ट का नाम, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, दो नंबर को ऐड करना है। पैकेज आप यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको पैकेज नेम दे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि माई कोड डॉट यूटिल करके। पैकेज बहुत सारे होते हैं जावा में, आपको जैसा कोड करना है उसके साथ आप पैकेज का नाम आप दे सकते हो। मेन क्लास का नाम, क्लास का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे करना है एडिशन, तो यह मैं यहाँ दे दे रहा हूँ क्लास का नाम अपने एडिशन, और ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पाथ आएगा जिसमें आपके फाइल कहाँ पे सेव है, कहाँ पे स्टोर है, आपको क्लिक करना है एडिशन डॉट जावा पे, जो आपके क्लास का नाम है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ नेम, यहाँ पर मेथड्स, फंक्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है बाई डिफ़ॉल्ट, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप नोट पैड में टाइप करते हो वैसे यहाँ पर नहीं है, बस आपको प्रोजेक्ट का नाम दे देना है, पैकेज का नाम दे देना है, क्लास का नाम दे देना है, बाकी ऑटोमेटिक ये सब आपके सामने खुल जाता है। आइए इसमें एक कोड करके देखते हैं, हम यहाँ से करते हैं एंटर। हम दो नंबर को यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं, आइए यहाँ पे हम ऐड करते हैं किसी भी दो नंबर को। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ INT, मैं ले रहा हूँ तीन वेरिएबल, INT A कॉमा B देन कॉमा C एंड सेमी कॉलन, जावा है तो सेमी कॉलन लगाना ही पड़ेगा। यहाँ मैंने किया कि A इक्वल टू फाइव, देन B इक्वल टू सिक्स, आप किसी भी दो नंबर को आप ऐड कर सकते हो, देन C इक्वल टू, यहाँ लगाएंगे लॉजिक, C इक्वल टू A प्लस B, A प्लस B, ठीक है। मेरा भी हाथ अभी इस पूरा साफ नहीं है, क्लियर नहीं, क्योंकि मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ कोडिंग प्रोग्रामिंग, ये सब इमरजेंसी के लिए। यदि बाई चांस कभी आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो आप मोबाइल में प्रैक्टिस कर सकते हो, कोडिंग आप करके अपना काम चला सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन एंटर, अब क्या चलाऊँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, डबल कोट, और यहाँ पे लास्ट में प्लस का सिंबल। जैसे आप कोडिंग वहाँ करते हो सेम टू सेम यहाँ भी है, कुछ चेंज नहीं करना है, कि दोनों का इंटरफेस, दोनों का लॉजिक, प्रोसेस, प्रोटोकॉल्स सब सेम है। देखिए मैंने यहाँ पे INT तीन वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैंने तीन लिया वेरिएबल, ए के अंदर 5, बी के अंदर 6, और C इक्वल टू A प्लस B यहाँ पे चला दिया आउटपुट कमांड। अब आइए इस कोडिंग को हम लोग रन करते हैं। रन कहाँ से करोगे आप, यहाँ से करना है ऊपर से। आइए इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही देखिए आंसर आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने 11। आइए यहाँ पे हम एक ऑपरेटर चेंज करके देखते हैं। यहाँ मैंने किया है प्लस, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ A माइनस B। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, देखिए रिजल्ट आपके सामने -1, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप जावा की प्रोग्रामिंग इमरजेंसी सेवा के लिए आप इस पे कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हो, कंपाइल
कर सकते हो गाइस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।